हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा टेक वर्स। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे गाइनोमोशन, एक नया एंड्रॉयड एमुलेटर है। ठीक है, नया तो नहीं है लेकिन मैं पहली बार इसको इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ। ये मोस्टली जो है टेस्टिंग वगैरह के लिए, ऐप टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये एमुलेटर। इसका प्रोफेशनल वर्जन जो है आपको पेड वर्जन मिलेगा। ठीक है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं तो। इसकी ये वेबसाइट है, गूगल पर जाकर सर्च मार लेना गाइनोमोशन। ठीक है, तो वहाँ से ये ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंडीशंस बता देता हूँ आपको। तो इसमें कुछ कंडीशंस है, सबसे पहले तो वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। एज़ पर वर्चुअल बॉक्स चाहिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कंडीशंस वगैरह, बाकी मैं उस पर भी डाल दूँगा कंडीशंस, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा, तो एक भी स्टेप मिस मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को शुरू में दिक्कत हुई है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैं सारी चीज़ें बताता जाऊंगा आपको। तो डाउनलोड पर चलते हैं। डाउनलोड में क्या है कि लाइट इंस्टॉलर वर्चुअल बॉक्स नॉट इंक्लूडेड। अगर आपने प्री वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि मैंने कर रखा है, तो आपको ये वाला वर्जन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं ऊपर वाला डाउनलोड कर लूँगा, वरना नीचे वाला जो है दूसरा लिंक दिया हुआ वो डाउनलोड कर लेना। अगर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता देना, मैं उसकी रिव्यू वीडियो बना रखी है, वहाँ जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं इंस्टॉलेशन में। सिंपल इंस्टॉलेशन है, कुछ खास है नहीं, तो नेक्स्ट करते हुए जाते हैं। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट इंस्टॉल कर लेना, सीधा सीधा इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टाइम लेता नहीं है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लेगा। ठीक है, मैंने कंडीशंस बता दिया आपको, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए, अगर नहीं है तो दूसरा वाला वर्ड लेना, उस डायरेक्ट इंस्टॉलेशन हो जाएगी वहाँ से भी। और ध्यान रखना वर्चुअल बॉक्स अप टू डेट हो, जैसा कि वर्चुअल बॉक्स 7 आ चुका है तो वो इंस्टॉल कर लेना, या फिर कोई दिक्कत नहीं है 6 में भी रनिंग कर रहा है, मैंने 6 में रन करके देखा है, कोई दिक्कत नहीं आई है, तो यहाँ से हमारा ये हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपकी आईडी नहीं है बनी हुई तो आप लॉगिन ज़रूर कर लेना। अब यहाँ से देखिए, प्रॉक्सी वगैरह यूज़ नहीं करना हमें, सीधा लॉगिन का है। तो अब यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास आईडी है नहीं, तो सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे करते ही आपका ऑनलाइन चला जाएगा, ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र में ओपन होते ही यहाँ से ईमेल आईडी डाल देना है, कोई भी जो आपकी पर्सनल ज़रूरी नहीं है, कोई भी ईमेल आईडी डाल देना जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास है। अब यहाँ से चलते हैं, कोई पर्सनल लिख देना, गेमिंग देना कोई इशू नहीं है, यहाँ से जो भी कंडीशंस यूज़ करनी है आपको, पासवर्ड वगैरह डाल दिया, एक्सेप्ट कर दिया टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, न्यूज़लेटर मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि मेल बहुत सारी आती हैं इनकी। ठीक है, एक्टिवेट कर दिया मैंने अकाउंट। अब यहाँ से क्या है, क्लिक केयर कर ईमेल पे लॉगिन कर लेना सबसे पहले आपको इसको रजिस्टर्ड करने के लिए। यहाँ ईमेल पे लॉगिन कर लिया हमने, सॉरी gmail.com लिख देता हूँ। ठीक है, gmail.com लिखते ही जो है आपका ईमेल लॉगिन हो जाएगा, यहाँ से लॉगिन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक आपको मेल आएगी इनकी तरफ से, गाइनोमोशन है या गाइनोमोशन है कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे एक मेल आएगी, अब वहाँ पे मेल आते ही आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, ये 2-way वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। जैसा भी आपका अगर नॉर्मल लॉगिन हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, जीमेल पे चले जाना है आपको। यहाँ मैं जीमेल पे आ गया हूँ, देख रहे हैं फर्स्ट मेल आई हुई है इनकी तरफ से इसको एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके क्लिक कर लेना, ये एक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट। ये देखिए, ये एक्टिवेट हो गया। अब जो हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला था, मतलब जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था, ठीक है, तो वो जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है आपको, सीधा छोड़ देना है इसको। अब यहाँ से जाके जो है आपको क्या करना है, वही ईमेल आईडी सेम और सेम पासवर्ड जो हमने बनाया था वो सेम टू सेम डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, सबसे पहले देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं होता। ये देखिए, मैंने ईमेल आईडी डाल दी है, अब यहाँ से पासवर्ड डाल देता हूँ, अब यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करते ही देखते हैं, यहाँ देखिए लॉगिन यूज़ हो गया, आई हैव लाइसेंस, या ये कर लेते हैं एग्री पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वहाँ से जाके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है हमें क्या क्या नया है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए वर्चुअल बॉक्स 7 दिखा रहा है हमें,
जैसा कि अब यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखिए फ़ोन वगैरह टैबलेट वगैरह जो भी है यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ से सारी चीज़ें इसकी फ्रंट ऑफ व्यू दी गई हैं जो पुराने वर्जन में नहीं था। पुराने वर्जन में हमें जब क्रिएट करते थे तभी शो करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो करी गई हैं, ठीक है। बाकी आप जो है अपने हिसाब से जो है जो भी आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से ही आप यूज़ करना, क्योंकि क्या होता है पीसी का कॉन्फ़िगरेशन लो वर्जन है और आप यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड का हाई वर्जन, इसमें रैम ज़्यादा चाहिए होती है या फिर प्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है तो उसमें रन नहीं कर पाता हमारा सही से, ठीक है। अब ये मैंने रीस्टार्ट किया, अब रीस्टार्ट करने के बाद आप बहुत से लोग बोलेंगे कि वॉलपेपर कैसे चेंज हो गया, तो भाई मेरे को दो दिन बाद पता चला था कि रीस्टार्ट करने के बाद ये एरर ख़त्म होता है, इसमें कुछ एरर आ रहे थे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हाथ पाँव मारे तो मेरे को पता चला कि इसमें जो है रीस्टार्ट करने के बाद जो है ये वर्चुअल बॉक्स से सही से कनेक्ट होता है या जो भी है इसमें जो एरर आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब कोई सा भी रिजोल्यूशन वगैरह सब अपने हिसाब से देख लेना क्या कौन सा मोबाइल यूज़ करना है, नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं अभी तो फ़िलहाल हम के, ठीक है। अब कोई सा भी सिलेक्ट करके जो है नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से सारी चीज़ें जो है आप चेंज कर सकते हैं कि एंड्रॉयड कौन सा रखना है, कौन से वर्जन रखना है, लाइसेंस वगैरह जो भी है नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पे मेमोरी वगैरह जो रैम वगैरह यूज़ करना है पर्सनली इसके लिए तो वो सारी चीज़ें प्रीफर की गई हैं। कस्टमाइज़ कर रहे हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम टू सेम रहने देनी है। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये 412 MB के करीब हुआ, ठीक है। हर एंड्रॉयड का अलग अलग वर्जन है तो हर किसी का जो है अपना अपना जो है, कोई 412 है, कोई 800 MB है, तो इस हिसाब से होगा। अब यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, मेरा यहीं पे एरर आ रहा था, ठीक है। तो एरर आने के बाद जो मैंने देखा क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने सर्चिंग की इधर उधर हाथ पाँव मारे तो पता चला कि रीस्टार्ट करना पड़ता है, वर्चुअल बॉक्स अपडेट रखना पड़ता है और आपको कंडीशंस जो है वही देनी होती है जो एंड्रॉयड सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो वहाँ मैं आंसर दे दूँगा आपको। फिर भी नहीं हो पाता है तो मैं कुछ ना कुछ कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है, हमारे को कोई दिक्कत तो आई नहीं है, मतलब मेरे को तो आई थी, तो मेरे को ऐसा लगता था इस पर वीडियो बनानी चाहिए कि आपको ना आए, ठीक है, तो मैंने यहाँ वीडियो बना दी। बाकी आप जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है इस तरफ की, ठीक है। और चैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डली हुई हैं, वहाँ पर जाके चेकआउट कर लेना वीडियो। तो ये हमारा था कंप्लीट वीडियो दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।